नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? मैं हूँ नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब मैं हूं मोहित गुप्ता और आपका स्वागत करता हूं द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लीवर तक हम लोगों ने पूरा डिटेल से पढ़ा था। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करने वाले हैं, दो तीन लेक्चर में ये कंप्लीट होने वाला है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पैंक्रियाज पढ़ने वाला है। अभी तक हम लोगों ने लीवर में पढ़ा। हम लोगों ने जाना कि भाई जो इंटेस्टाइन है आपका, उसके तीन पार्ट है, ड्यूडनम, जेजनम एंड इलियम। तो जो ड्यूडनम वाला पार्ट है उसके राइट साइड में लीवर है एंड लेफ्ट साइड में क्या है? पैंक्रियाज है। तो लीवर से बाइल साल्ट आता है जो कि क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। एंड और भी लीवर के बहुत सारे काम थे, तो वो सारे हम लोगों ने जाने। आज हम पैंक्रियाज के पूरे फंक्शन के बारे में जानने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो पैंक्रियाज क्या होता है? पैंक्रियाज एक तरीके की मिक्स ग्लैंड है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि भाई आपकी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, आपकी जो बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है जो, उसको लीवर बोला जाता है, ठीक है। एंड जो मिक्स ग्लैंड है उसको किसको बोला जाता है? पैंक्रियास को, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है, हेटरोकाइन। हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट, इसके मतलब दो फंक्शन है ना, मेरी बात समझिए। मिक्स ग्लैंड यानी इसके दो फंक्शन है, एक इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है एंड एक इसका एंडोक्राइन फंक्शन है, यानी ये दो काम करता है, एक्सोक्राइन भी करता है एंड एंडोक्राइन करता है। तो एक्सोक्राइन क्या है एंड एंडोक्राइन क्या है, दोनों देखो। एक्सोक्राइन क्या होता है कि जब जब कोई सिक्रीटरी सेल यानी जो सिक्रीशन करेगा, जो निकालेगा, ठीक है। तो जब कोई सिक्रीटरी सेल एंजाइम निकालेगा तो वो क्या कहलाएगा? एक्सोक्राइन कहलाएगा। एंड जब कोई सिक्रीटरी सेल हार्मोन निकालेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन बोलेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, जो एक्सोक्राइन होता है वो कैसा होता है? विद डक्ट होता है, इनमें डक्ट पाई जाती है। एंड जो एंडोक्राइन होता है वो कैसा होता है? डक्टलेस होता है, ठीक है। अब देखो, ये मेरी बात समझो, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इसके दो फंक्शन हैं। अभी तक देखो, एंजाइम मैंने लिखा ना, तो अभी तक तुम लोगों डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम ही पढ़ रहे हो। कितने सारे एंजाइम पढ़े? पेप्सिन पढ़ा, रेनिन पढ़ा, बहुत सारे एंजाइम पढ़े। तो आप लोग एंजाइम पढ़ रहे हो, तो यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल एक्सोक्राइन फंक्शन है ना। एंडोक्राइन फंक्शन कहाँ पर आएगा? एंडोक्राइन ग्लैंड जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो पैंक्रियाज है वो दोनों काम कर रहा है, वो एक्सोक्राइन भी फंक्शन करता है, एंडोक्राइन भी फंक्शन करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड अलग हैं अपने, बट पैंक्रियाज एंडोक्राइन वाले भी काम करता है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये पैंक्रियाज है, आपको पता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये डक्ट गई हुई है, पैंक्रियाटिक डक्ट, एंड ये पैंक्रियाज जुड़ा हुआ है यहाँ पे। दो देखो, दो तरीके की सेल। मैंने बोला क्या कि एक्सोक्राइन कैसा होता है? विद डक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो डक्ट गई है ना ऐसे करके, ये जो डक्ट, इससे जुड़ी हुई जो सेल है, ये देखो, ये जो डक्ट से जुड़ी हुई सेल है, दिख रहा है? रुको, मैं हाईलाइट करता हूँ। अरे बाप रे, हाँ, ये वाली जो सेल हैं इनको मैं क्या बोलता हूँ? एक्सोक्राइन फंक्शन ये करती हैं, इनका नाम है एसिनाई, एसिनर सेल लिखा है, इनको बोला जाता है एसिनाई। एंड अब ये जो छोटे छोटे तुम लोगों को दिख रहे हैं, ये देखो, ये कोई डक्ट से जुड़े, डक्ट यानी ट्यूब, कोई ट्यूब से जुड़े हैं? नहीं, ये कोई ट्यूब से तो जुड़े नहीं हैं। तो यानी ये कैसे हैं? ये एंडोक्राइन फंक्शन करने वाले हैं और इनका नाम दिया जाता है, उनको तो एसिनाई बोला जाता है, इनको बोलते हैं हम लोग आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये देखो, इसको मैंने जूम करा है, ये वाला पार्ट। तो ये जो ये पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। अब एक चीज़ मेरी बात समझिएगा, इसको मैं थोड़ा सा आप लोग को डिटेल से पहले पढ़ा देते हैं एंडोक्राइन, फिर मैं आपको एक्सोक्राइन बताता हूँ, ठीक है। तो एंडो पहले मेरी बात समझिए, पैंक्रियाज में आपने क्या पढ़ा? पैंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है जिसके दो फंक्शन है, एक एक्सोक्राइन है, एक एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन से एंजाइम निकालता है, वो डक्ट फुल होता है। एंड एक्सोक्राइन के लिए जो सेल आती है वो कौन सी है? जो एक्सोक्राइन फंक्शन करती है जो सेल है उसका नाम क्या है? एसिनाई। एंड एंडोक्राइन जो सेल जो काम करती है उसको क्या नाम है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो
अब देखिए आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये इसमें कौन कौन सी सेल है, अल्फा एंड बीटा सेल्स है। इसको मैंने डिटेल से बना रखा है, उसको देखिए आप। जैसे ये देखिए, ये मैंने क्या लगा, एंडोक्राइन फंक्शन करने वाला ये क्या है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। तो इसमें अलग अलग तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ इसमें से अल्फा सेल्स हैं, कुछ इसमें से बीटा सेल्स हैं, कुछ इसमें से डेल्टा सेल है। देखिए इधर से, तो अलग अलग तरीके की सेल, ये जो मैंने ब्लू से करी है वो क्या है, अल्फा सेल है। जो मैंने रेड से बनाया वो बीटा सेल है, एंड जो येलो से बनाया वो क्या है, डेल्टा सेल है। तो इनका अलग अलग काम है। अल्फा सेल जो क्या करता है, मैंने अल्फा सेल जो क्या करता है, वो ग्लूकागॉन निकालता है। क्या निकालता है, ग्लूकागॉन। ये यहाँ पे लिखा है, इट सिक्रीट्स ग्लूकागॉन। एंड जो ये बीटा सेल है वो क्या निकालता है, इंसुलिन निकालता है, ठीक है। अल्फा सेल क्या निकालता है, ग्लूकागॉन, एंड बीटा सेल क्या निकालता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। जो डेल्टा सेल है वो इसका निगेटिव कंट्रोल करता है। डेल्टा सेल से एक एंजाइम निकलता है, उसको बोलते हैं सोमैटोस्टैनिन। सोमैटोस्टैनिन जो एंजाइम नहीं है, ये हार्मोन है, ठीक है। सोमैटोस्टैनिन जो हार्मोन है, इसका निगेटिव कंट्रोल करता है। मतलब मान लीजिए इंसुलिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको कम करने वाला काम कौन करेगा, डेल्टा सेल करेगा। फिर से समझिए कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में तीन सेल्स है, कौन कौन सी, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल ग्लूकागॉन निकालेगा एंड बीटा सेल इंसुलिन निकालेगा, एंड इनकी सिक्रीशन कम या ज़्यादा को कंट्रोल करने वाला, जो निगेटिव कंट्रोल है यानी इनकी सिक्रीशन को कम करेगा, कौन कम करेगा, डेल्टा सेल। कौन से एंजाइम, कौन सा हार्मोन निकालेगा, सोमैटोस्टैनिन। अब मैं देखो तुम लोगों का काम बता चुका हूं मैं, ग्लूकागॉन को तुम लोगों का फंक्शन पता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम किसका है, इंसुलिन का है। एंड फिर से ग्लाइकोजन को, मान लीजिए आपने क्या करा, आप बहुत ज़्यादा मिठाई खा रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आपके ब्लड में आ गया, तो इंसुलिन बार बार निकल रहा है, वो कह रहा है कि भाई अब इसको स्टोर करना पड़ेगा, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया। बट इन द केस ऑफ स्टारवेशन, आप बहुत ज़्यादा व्रत रख रहे हो, आप खाना ही नहीं खा रहे हो, तो अब बात आएगी ना कि भाई बॉडी में जो ग्लाइकोजन हमने स्टोर रखा है, उसको फिर से ग्लूकोज में बदले ताकि एनर्जी बना सके। ग्लूकोज से तो एनर्जी आती है ना, ग्लूकॉन डी पीते हो आप लोग, तो ये जो ग्लूकागॉन है ये क्या करेगा, फिर से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा। तो कब इंसुलिन ज़्यादा करना है, कब इंसुलिन कम करना है, इंसुलिन कम करना है या फिर ग्लूकागॉन कम करना है, ये कौन करेगा, डेल्टा सेल करेगा, बाय सिक्रीटिंग सोमैटोस्टैनिन। तो आपको ये एंडोक्राइन वाला फंक्शन समझ में आया। अब नेक्स्ट समझिएगा, अब समझिए कि भाई एक्सोक्राइन फंक्शन देखते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या होता है, एक्सोक्राइन में फंक्शन में बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं। कौन निकालता है, पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ा हुआ एसनाई सेल है। एसनाई क्या है, एक्सोक्राइन फंक्शन है, वो बहुत सारे क्या निकालता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम निकालता है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। अब इसमें बहुत सारे पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, मैं एक एक करके नाम लिखता हूँ। जैसे ट्रिप्सिनोजेन, एक सेकंड, जैसे है ट्रिप्सिनोजेन, मैं नहीं दिख रहा हूँगा, एक सेकंड, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ठीक है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड प्रोइलास्टेज, अब देखिए ये इतने पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम है हालांकि अभी, और ये एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। बट मैंने बोला कि भाई प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन भी करता था, बट पेप्सिन वो पेप्सिनोजेन होता था, वो इनएक्टिव होता था, तो वैसे ही ये भी, इनके भी जेन लगा हुआ है सबके लास्ट में, यानी ये अभी एक्टिव नहीं है, इनको एक्टिव करना पड़ेगा। तो इंटेस्टाइन, मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है, एंड इंटेस्टाइन से ही पैंक्रियाज ऐसे ऐसे करके जुड़ा हुआ है, एंड यहाँ पर ये उसमें क्या लगा हुआ है, एसिनाई लगा हुआ है। यहाँ पर एक एंजाइम होता है बच्चा, एंट्रोकाइनेस, कहाँ पे ये होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंट्रोकाइनेस, ये एंट्रोकाइनेस एंजाइम आता है। ये क्या करता है, ये जो आपका ट्रिप्सिनोजेन है ना, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदल देता है,
ध्यान से बात समझिएगा, ये क्या कर देता है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। तो एंट्रोकाइनेज एंजाइम आया एंड एंट्रोकाइनेज एंजाइम ने क्या करा, ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव कर दिया, किस में बदल दिया, ट्रिप्सिन में बदल दिया। अब आपके पास क्या है, काइमोट्रिप्सिन है, प्रोकार्बोक्सीडेज है, प्रोइलास्टर है। जब ट्रिप्सिन एक्टिव होगा, एक चीज़ एक्टिव हो गई क्या, ट्रिप्सिन। जैसे ही ट्रिप्सिन एक्टिव होगा तो ट्रिप्सिन को एक्टिव होने के बाद ये जो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन एंड प्रोकार्बोक्सीडेज एंड प्रोइलास्टर, इन तीनों चीज़ को भी क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा एंड इसको क्या बना देगा, काइमोट्रिप्सिनोजेन से इसको बना देगा काइमोट्रिप्सिन, है ना, एंड उसको प्रोकार्बोक्सीडेज से क्या बना देगा, प्रो है यानी पहले कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड प्रो इलास्टेज को क्या बना देगा, इलास्टेज। मेरी बात समझ गए होंगे आपके, फिर से मेरी बात समझो, ज़्यादा मैंने बात बोली नहीं, मैंने बोला कि एक्सोक्राइन फंक्शन कौन करता है, एसिनाई करता है। वो क्या निकालता है, पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। पैंक्रियाटिक जूस में जितने भी प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले हैं वो ट्रिप्सिनोजेन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, काइमोट्रिप्सिनोजेन है इनएक्टिव फॉर्म में, प्रो कार्बोक्सीडेज है इनएक्टिव फॉर्म में है एंड प्रो इलास्टेज है, ये सब प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, ये सब कैसे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन से एक एंजाइम होता है एंट्रोकाइनेज, वो आता है हमारे ट्रिप्सिन को क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन को किस में बदल देता है, ट्रिप्सिन में बदल देता है। जैसे ही ट्रिप्सिन एक्टिव होता है तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन इनको एक्टिव करता है जो इसके साथ के भाईचारे थे, ठीक है, वरना एक ये जिंदा हुआ तो उसने सबको जिंदा कर लिया, वैसे हुआ। तो ट्रिप्सिन ने क्या करा, काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सीडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में एंड प्रोइलास्टेज को इलास्टेज में बदल दिया, जो कि कैसे हो गया, एक्टिव हो गया। ये इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, अब ये जो एंजाइम है यहाँ पे पैंक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन से है, ट्रिप्सिन है, एक्टिव हो गया ना, अब काइमोट्रिप्सिन है एंड इलास्टेज है, ये किसका डाइजेशन करते हैं, मैंने अभी अभी बोला प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। ये क्या करते हैं भाई, प्रोटीन जो ब्रेक मेरे लिखने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन टू फॉर्म पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स, ठीक है। तो भाई देखो हमने क्या बोला कि भाई बहुत सारे अमीनो एसिड हैं ऐसे जुड़े हुए, बहुत सारे अमीनो एसिड हैं ऐसे जुड़े हुए, अब ये क्या करेगा, उस अमीनो एसिड को ऐसे तोड़ देगा। तो जब दो अमीनो एसिड एक साथ जुड़े होते हैं तो उनको बोलते हैं पेप्टाइड, एंड जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं भाई क्या, अब प्रोटीन। तो प्रोटीन को इसने किस में बोल तोड़ दिया, प्रोटीन को किस में तोड़ दिया, पेप्टाइड में तोड़ दिया, ठीक है। फिर जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ये क्या करेगा, प्रोटीन स्प्लिट ऑफ टर्मिनल अमीनो एसिड फ्रॉम कार्बोक्सिल एंड ऑफ प्रोटीन, ये जो ये क्या करेगा, सेम चीज़ ये भी है प्रोटीन में जुड़ा हुआ है एंड प्रोटीन का जो टर्मिनल अमीनो एसिड है, सबसे किनारे वाला अमीनो एसिड है, उसको क्या कर देगा, ये स्प्लिट कर देगा, हटा देगा वहाँ से, मतलब एक एक अमीनो एसिड वहाँ से हटाता जाएगा प्रोटीन से। देन लाइपेज, आपको पता है मैंने बोला जहाँ पे भी लाइपेज दिखे वो फैट का डाइजेशन करेगा, जहाँ पे भी अब आपको आगे लाइपेज दिखता है तो वो फैट का डाइजेशन करेगा। कैसे फैट का डाइजेशन करेगा, आपको पता है फैट क्या होता है, जो आपके लिपिड होता है, पहले मेरी बात समझिएगा, लिपिड, तो वो तीन, वो लिपिड या फिर फैट, ठीक है, तो वो कैसा बना होता है, यहाँ पे एक ग्लिसरॉल होता है एंड उसमें तीन फैटी एसिड जुड़े होते हैं, तो तीन फैटी एसिड जुड़े हुए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। तीन फैटी एसिड जुड़े होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चा, ट्राइग्लिसरॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड। अब क्या करेगा, ये जो लाइपेज है, लाइपेज का काम होता है तोड़ना, एंजाइम का काम होता है तोड़ना, तो ये तोड़ेगा तो यहाँ से एक फैटी एसिड हटेगा, तो अब ये क्या बन जाएगा, डाइग्लिसराइड, क्या बन जाएगा, डाइग्लिसराइड एंड एक फैटी एसिड यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा इसको, एक फैटी एसिड यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फिर आप देखिए जो ट्राइग्लिसराइड से एक फैटी एसिड हमने और हटाया फिर ये लाइपेज की एक्टिविटी से, और एक फैटी एसिड और निकल गया, तो अब ये क्या बन गया, मोनोग्लिसराइड, है ना, शायद मेरी आप बात समझ रहे हैं। अब देखिए एमाइलेज, एमाइलेज किसका, जैसे स्लाइवरी एमाइलेज था, तो ये सारी चीज़ें पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है एंड कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज की लंबी चैन से मिलके बना होता है। तो जब ये ग्लूकोज की लंबी चैन टूटेगी, देखो कैसे, ये इसने तोड़ा, ये इसने तोड़ा, तो जब दो ग्लूकोज एक साथ जुड़े होते हैं तो उनको बोला जाता है माल्टोज। तो पॉलीसेक्राइड को किस में तोड़ देता है, ये माल्टोज में या फिर ग्लूकोज में। तो जब ये माल्टोज फिर से टूटेगा तो एक एक ग्लूकोज अलग हो जाएंगे, एक एक ग्लूकोज कैसे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। फिर जो राइबो न्यूक्लियस है,
अगला एंजाइम इसी का है, पैंक्रियाटिक एंजाइम का, राइबो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है। तो न्यूक्लिक एसिड को, ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें डीएनए वगैरह होता है ना, तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। आप जब सेल बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा। तो वहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है उसको उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, उसके न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक कर दिया, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड हट गए। अब देखिए जो आपका डीएनए था, ध्यान से मेरी बात समझिए, ये डीएनए था एंड उसका अलग अलग ये न्यूक्लियोटाइड था। तो अब एक एक अलग अलग न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड जिस टाइप, जिस तरीके से अरेंज होगा, जिस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड लगेगा, वो उसी तरीके का वो सीक्वेंस जाएगा जीन के पास, सॉरी डीएनए, उसी तरीके का डीएनए बन जाएगा एंड उसी तरीके की फिर आगे जाके प्रोटीन बनेगी। नहीं बात समझ में, ये आपको अगर नीचे वाला नहीं समझ में आता तो उसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको बस इतना देखना है कि भाई न्यूक्लिक एसिड को मोनो न्यूक्लियोटाइड में वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, है ना। ये इतनी बात रही, ठीक है। फिर ये अब यहाँ से हम लोग का क्या ख़त्म हो जाता है, पैंक्रियाज ख़त्म हो जाता है। अब अगली जो क्लास होगी हम लोग उसमें क्या देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे, ठीक है। देन थैंक यू।